आप सभी ने सर्कुलर देखा होगा, CBSE अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा। उस सर्कुलर में क्या लिखा हुआ है कि जो प्रैक्टिकल्स आपके होने वाले हैं, जो आप जैसे जो न्यूज़ आ रही थी, जैसे कि PDF में लिखा हुआ था कि आपके PDF में ये लिखा होता कि प्रैक्टिकल दोबारा होंगे बच्चों के, पर उस सर्कुलर में लिखा हुआ है कि काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट के बाद जो है CBSE ने इस बात का जो है डिसीजन लिया है कि आपकी जो प्रैक्टिकल्स हैं वो दोबारा नहीं होंगे और जो मार्क्स हैं वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे जैसे कि पहले हुआ करता था बिल्कुल वैसे। तो ये मुझे लिंक काफ़ी बच्चों ने भेजा है, मुझे ईमेल किया है और कमेंट में भी एक दो बच्चों ने लिखा है इस बारे में, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अभी भी एक दो बच्चे के और मेल्स आ रहे हैं, तो शायद आपको यूट्यूब पर किसी चैनल के बारे में बता रहे थे जिन्होंने इस बारे में बताया। तो अभी इस बारे में मुझे ऑफिशियल साइट पर नहीं मिल रहा है, पर वो नोटिस मुझे भेजा गया है, तो उस नोटिस का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप भी जाकर उसे पढ़ सकते हैं। इस बारे में कन्फर्मेशन मैं तभी कर पाऊंगा जब या तो मेरी CBSE जो हेल्पर नंबर है उससे बात हो जाएगी या फिर ऑफिशियल साइट पर मुझे नोटिस मिल जाएगा। अगर आपको ऑफिशियल साइट का लिंक मिल जाए तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि मैं जाके देख सकूँ कि ऑफिशियल साइट पर ये नोटिस कहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि इस बार CBSE की अभी मैंने चेक करी तो अभी मुझे वहाँ पर शो नहीं हो रहा है। अभी PDF में वही लिखा हुआ है, 4th पॉइंट है हमारा कि जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो आपको दोबारा मतलब प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। तो इस बारे में जैसे कोई नोटिस आता है मैं आपको बताऊँगा। अभी के लिए जो भी आपके नोटिस है उस बारे में कोई कन्फर्मेशन मैं नहीं दे रहा हूँ, पर अभी आप जाके उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी बच्चे यही चाहते हैं कि प्रैक्टिकल दोबारा ना हो। सो आई होप कि अगर CBSE से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो जैसे इस बारे में कोई अच्छी अपडेट आती है, इस बारे में कोई कन्फर्मेशन होती है, इस बारे में आपको बताऊंगा। तो अभी आप इस पर अपना फोकस रखिए। अगर कोई भी आपके पास न्यूज़ आती है, अपडेट होता है, तो प्लीज़ मुझे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं इस बारे में बता सकूँ। थैंक यू।